इस वीडियो में ना हम जानेंगे गूगल पे से किसी के भी बैंक अकाउंट में किस तरह से आप पैसे को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। वैसे तो ये काफ़ी इजी है, हर कोई जानता है, पर फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में ना हम जानेंगे किस तरह से आप जो है बैंक अकाउंट में किसी के भी डायरेक्टली अपने गूगल पे से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ना आपको जिस किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका आपको बैंक अकाउंट और नेम पता होना चाहिए। अगर नेम पता नहीं है तब भी चलेगा, पर फिर भी अकाउंट कंफर्म करने के लिए आपको नेम पता होना चाहिए, कहीं गलत अकाउंट में तो नहीं जा रहे हैं। आपने अकाउंट नंबर डाल दिया और नाम आपको पता नहीं है, क्या पता वो अकाउंट नंबर आपने गलत डाल दिया, तो ये आप इतने समझदार हैं। तो भाई ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और IFSC कोड की कोई भी नीड नहीं है। और चलिए अगर IFSC कोड की भी नीड पड़ती है तो यहाँ पे वैसे फोन पे में नीड नहीं होती है। अब गूगल पे में मुझे पता नहीं, मैं अभी आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। तो गूगल पे को ओपन कर लेना है। गूगल पे को ओपन करने के बाद यहाँ यहीं पे आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है बैंक ट्रांसफ़र, आपको इस पर क्लिक करना है और जिस किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसका आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और उसका IFSC यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे ये सर्विस मतलब गूगल पे में आपको IFSC एंटर करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे एक सर्च का भी ऑप्शन है, सर्च फॉर IFSC क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब जो भी अकाउंट नंबर आपने एंटर किया है वो किस बैंक का है, उस बैंक को आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं 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 ये गलत हो गया, बैंक ऑफ इंडिया मेरा तो कई बार गलती हो जाती है, बैंक ऑफ, हाँ ये रहा बैंक ऑफ इंडिया। तो हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ना आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी ब्रांच हो तो यहाँ पे आपको देख लेना है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी है, AB नाम से जो भी हो वो आपको ऐसे करके देख लेना, काफ़ी लंबी लिस्ट है। पर गाइस ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही, मेरा फिरोजाबाद है तो मैं फिरोजाबाद देख ले रहा हूँ, तो इससे हिसाब से लग रहा है भाई ये तो काफ़ी नीचे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्च का भी ऑप्शन है तो आप उससे सर्च भी कर सकते हैं अगर आप ढूंढना चाहते हैं। भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट लग रही है मुझे, यहाँ पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे ना एक सर्च का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, नहीं मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन काम करता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया सर्च और उसके बाद अब आपको क्या करना है, IFSCI जो है IFSC ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो गाइज मेरा नाम सही है, जो भी मैंने अकाउंट नंबर डाला है उसमें उसका ही अकाउंट का नाम आ गया है, मतलब जिस भी व्यक्ति का अकाउंट है उसका नाम आ गया है। उसका कंफर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी अमाउंट आपको सेंड करना है उसे आपको एंटर कर देना है। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए सिर्फ एक ही कर रहा हूँ, आपको जितने भी पैसे ट्रांसफ़र करने 1000, 2000, 10000 वो आपको कर लेने हैं। उसका सेंड बटन पे क्लिक करना है और पे पे क्लिक करना है, किस अकाउंट से करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना UPI पिन डाल देना है, उसका राइट के टिक पे क्लिक कर देना है और जो भी अमाउंट आपने एंटर किया है वो सेंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है आप गूगल पे से बैंक में अमाउंट जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मैंने आपको कट कर दिया, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये पैसे सेंड हो चुके हैं, डन पे क्लिक करेंगे और फिर कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और गाइस जिस भी अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं उसकी हिस्ट्री देखने के लिए आपको क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपने रीसेंट बैंक ट्रांसफ़र आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख भी सकते हैं।